उत्तराखंड पुलिस ने विधानसभा चुनाव में अवैध कैश की सूचना पर एक बार फिर दबिश दी है। इस बार नामकुम और चुटिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी की है। YBN यूनिवर्सिटी के संचालक के 3 ठिकानों पर एक साथ तलाशी की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नामकुम स्थित यूनिवर्सिटी कलावती अस्पताल और संचालक के आवास पर तलाशी की गई है। पुलिस को इस दौरान 67 लाख रुपए और लाखों के जेवरात मिले हैं। आचार संहिता को लेकर के रांची जिला प्रशासन और पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। इसी कड़ी में लगातार जो सूचनाएं मिल रही थी कि अवैध जो है पैसे के खेल को लेकर के चुनाव में पैसे के खेल को लेकर के यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें रांची के नामकुम और चुटिया इलाके में ताबड़तोड़ तरीके से 3 जगहों पर छापेमारी की गई थी। एक YBN यूनिवर्सिटी के कैंपस में छापेमारी किया गया था, वहाँ पर भी लगातार सर्च किए गए। उसके बाद जो है कलावती हॉस्पिटल और उसके बाद उनके जो अपने दोनों ही जगहों के जो ऑनर हैं रामजी यादव, उनके ठिकाने पर भी रांची पुलिस के और FST की टीम जो है वो छापेमारी किया। छापेमारी के क्रम में तकरीबन 67 लाख रुपए जो है वो नगद बरामद किया गया है। इनके अलावा भारी मात्रा में सोना चांदी सहित कई अन्य कीमती साजो सामान भी बरामद किए गए हैं। ये रामजी यादव का घर है, जहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है। जांच के क्रम में प्रयास किए जा रहे हैं कि जो तथ्य सामने आए हैं ऐसे में उन तमाम चीज़ों को खंगाला जा सके। फिलहाल राज्य में और जिले में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, ऐसे में जो सूचनाएं मिली उसी सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की गई है और इसी कड़ी में यह पैसे जो हैं वह बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है, मजिस्ट्रेट यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो है बैंक से नोट गिनने की मशीन भी मंगवाया गया, मशीन मंगवाने के बाद पैसों की काउंटिंग की गई और पूरे मामले की जाँच में जुट गए। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से पैसे जो बरामद किए गए हैं उनका इस्तेमाल चुनाव में किया जाना था या फिर नहीं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है वो कई लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जिले भर में एक ओर जहां सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, लगातार चेकिंग किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वैसे प्रभावित लोग जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, धन बल का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके खिलाफ भी रांची पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर काम कर रही है, सख्त मोड पर काम कर रही है। इसी के तहत एक बार फिर से रांची में बड़े पैमाने पर नगद के साथ साथ सोना चांदी और अन्य कीमती सामान बरामद किए गए हैं, जिनके बाद रांची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कैमरामैन संजय के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।